प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी सामानों पर लगने वाले शुल्क को लेकर के भारत पर सीधा निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी खबर हम आप तक हमेशा पहुँचा सके। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि भारत ने बेशक अमेरिकी मोटरसाइकिल पर आयात शुल्क घटा करके 50% कर दिया हो, लेकिन यह अभी भी बहुत ज्यादा है और हमें स्वीकार नहीं है। अमेरिका को और बेवकूफ नहीं समझा जा सकता है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अन्य देशों के साथ घाटे में है। अमेरिका वह बैंक है जिसे हर कोई लूटना चाहता हो, लेकिन उसके नेतृत्व में अमेरिका एक ऐसा देश बन रहा है जिसे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। हम मूर्ख देश नहीं है। अगर आप भारत को देखें तो मोदी क्या कर चुके हैं, वह एक मोटरसाइकिल पर 100% कर लेते हैं। ट्रंप का इशारा हार्ले डेविएशन मोटरसाइकिल की ओर था। वह चाहते हैं कि भारत पर इस तरह के लगने वाले शुल्क को 0% कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जहां शुल्क को लेकर के ट्रंप ने भारत पर सीधा निशाना साधा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को अपना अजीज दोस्त बताते हुए ट्रंप ने उससे बातचीत करने के संदर्भ में कहा है कि हम जब हार्वे वहां भेजेंगे तो उस पर 100% कर लगा देते हैं, लेकिन जब हम मोटरसाइकिल भेजते हैं तो हम कोई कर वहां पर नहीं लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके उन्होंने कहा है कि यह अस्वीकार है। मोदी एक ही कॉल के बाद उसे घटा करके 50% कर दिया है। मैंने कहा है कि अब भी ज्यादा है, लेकिन यह अस्वीकार है। आपको बता दें कि जापान के ओसाका में G20 समूह में बैठक के दौरान इस माह के अंत में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होनी तय है।